से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभी हमारे आगंतुकों का अभिनंदन और स्वागत करें, जो ताली बजा करके सभी से भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहरलाल खट्टर जिंदाबाद, डॉक्टर अभय सिंह। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे आज के मुख्य अतिथि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे हरियाणा जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्री बिप्लब कुमार देव जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, चौधरी धर्मवीर जी, सीताराम जी और मलचा सिंह, सभी प्रमुख हमारे नेतागण भाई मोहनलाल जी बड़ोली हमारी पार्टी के महासचिव, मैं सबसे पहले तो आपको नमन करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में सुबह से 10 बजे से यहां बैठे हैं। मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और आपका ये एहसान हमारे हमेशा मेरे सर पर रहेगा। भाइयों बहनों 2014 में, थोड़ा चुप करो ना रणवीर, 2014 में पहली बार नौकरी छोड़कर आपके पास आया था और आते ही दिल में कुछ अरमान थे, भारतीय जनता पार्टी का मैं ऋणी रहूंगा हमेशा कि मुझे उन्होंने नौकरी से आते ही टिकट दिया और टिकट देकर पूरे 9 साल काम करने का मौका दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उनकी पीठ पे धन्यवाद करता हूं कि इस पिछले 9 साल में उन्होंने मुझे काम करने का भरपूर अवसर दिया और जहां जहां भी क्षेत्र की आवश्यकताएं थी उन क्षेत्र की आवश्यकताओं को उन्होंने भली भांति से देखा और परखा और मेरे जब भी मैंने उनसे अनुरोध किया किसी काम के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। भाइयों बहनों, राजनीति आज के युग में आप विशेष करकर सोशल मीडिया चारों तरफ से सक्रिय है, वो जमाना चला गया कि राजनीति में 5 साल में एक बार दर्शन देकर चले जाओ उसके बाद में लोग दोबारा चुन ले। सोशल मीडिया पे हर आदमी का, एक एक व्यक्ति का रोजाना आकलन होता है। हमारे समाज का हर प्रबुद्ध आदमी, गांव की चौपाल में बैठने वाला, हुके में बैठने वाला आदमी भी आप सबको एक राजनीति में इतनी दिलचस्पी है कि हर वक्त राजनीति की चर्चाएं करते रहते हैं और मैं तो कई बार दरी पे बैठने जाता हूं तो जाते ही कहेंगे डॉक्टर साहब आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आपका जिक्र कर रहे थे, तो मैं कहता हूं राजनीति के अलावा भी कोई बात देख लिया करो, सारे दिन राजनीति डिस्कस करते रहते। तो ये जमाना है, इस जमाने में राजनीति को रोजाना विवेचन होता है और भाई मैंने तो एक ही बात सीखी थी कि भाई मेरी माँ हमेशा मेरे को एक बात कहती थी कि नियत पे काबू रखना और अपनी मेहनत पे विश्वास रखना, भगवान हमेशा तेरे को आगे बढ़ाता रहेगा। एक महीने की उम्र में पिताजी छोड़कर गए थे और 27 साल की विधवा माँ के साथ 15 साल की उम्र में हल चलाना खेत में शुरू किया था और वहां से यात्रा शुरू करके इस जगह तक मैं पहुंचा हूं। मैं तो हमेशा समाज का ऋणी रहता हूं कि समाज की वजह से ही हमें इतना कुछ दिया। मेरे ख्याल से परमात्मा ने इतना दिया है कि उस विधवा माँ की कोख से आज भी 10 क्लास 1 अफसर उस परिवार में है। मुझे इससे बड़ा पारितोषिक परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए और आप लोगों के दिल में दिमाग में कई बार ये बात रहती है कि इसको विधायक को कुछ नहीं मिला, अरे मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया, मेरे को इतना प्यार मिल गया आप लोगों का कि मेरे एक आग्रह पर आप इतनी बड़ी संख्या में सुबह से यहाँ बैठे हो, इससे बड़ा पारितोषिक मुझे, मेरे लिए कोई इससे बड़ा पारितोषिक नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, सकारात्मक राजनीति करता हूं, कभी किसी की आलोचना नहीं करता, मेरे खिलाफ
कोई कुछ भी कहता रहे, कभी मैं उसका प्रत्युत्तर नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि अगर भगवान ने हमें मौका दिया है, मौका काम करने के लिए दिया है, बिना काम के विवादों में फंसने के लिए मौका नहीं दिया। और मुझे याद है अच्छी तरह से 2014 में जब मैं पहली बार विधानसभा में गया था और पहली बार जब बोलने का अवसर मुझे मिला, तो मुझे मेरे दिमाग में, मेरे दिल में 30 ही इलाके के प्रति इलाका बर्बाद हो रहा है बिना पानी के। और मैंने अपनी पहली ही स्पीच में, पहला जो विधानसभा में बोलने का अवसर मिला, मुझे याद है 4 नवंबर 2014 को, और उसमें मैंने पानी का मुद्दा उठाया था। और मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हफ्ते के अंदर ही मेरे को बुला के कहने लगे भाषण देता रहेगा या कुछ मेरे को लिख के देगा। और मेरे एक प्रस्ताव पर चौथे दिन उन्होंने चीफ इंजीनियर को यहाँ सारे लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम की और हालिंग का एस्टिमेट बढ़ाने के लिए भेज दिया था। वो चीफ इंजीनियर मलिक साहब अब नहीं है इस दुनिया में, चले गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब पिछले कई दशक से हम प्रयास कर रहे थे इस लिफ्ट इरीगेशन का और हालिंग करवाने की, लेकिन आपने पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है और 143 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के मुख्यमंत्री जी ने सारे इलाके की पानी की समस्या को हल कर। बीजेपी जिंदाबाद। और एक ऐसी व्यवस्था हमने कायम की, एक ऐसी व्यवस्था कायम की कि उस व्यवस्था में पूरे जिले की रिचार्जिंग का एक पूरा रोड मैप तैयार किया। हथनी कुंड से अपनी कार में कच्ची पटरी के साथ 2 दिन तक नारनौल तक सारी नहर को देखा, एक दिन पंजाब बॉर्डर से कुरुक्षेत्र मुंडेरा है तक नर्मदा ब्रांच को देखा, और लगभग 1.5 घंटे की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दी थी। माननीय रामराज जी बैठे हैं, ये उस प्रेजेंटेशन में मौजूद था थे। और जब मैंने अपनी बात खत्म कर दी तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे बड़ी मेहनत की है। मैंने कहा जी मेहनत तो की है, लेकिन ये सारे प्रस्ताव मेरे स्वीकार कर लो और इस इलाके को, दक्षिणी हरियाणा को पानी देना बहुत जरूरी है, इलाका बर्बाद हो रहा है। और मुझे खुशी है आपको ये बात बताते हुए कि 2000 करोड़ रुपए की एक स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हथनी कुंड से नारनौल तक नहर की कैपेसिटी बढ़ाने की मंजूर की और 80% काम उसमें पूरा हो गया, 20% काम बचा है। और मुझे उम्मीद है कि अगली बारिश का टाइम आएगा तो यहाँ लगभग नारनौल में 600-700 क्यूसिक पानी आपके खेतों में रिचार्ज के लिए पहुंचेगा। दोहा नदी डेरोली से लेकर मादरा तक रिचार्ज हो गई। ये जासावाद, बांडो और दूसरे गांव हैं। इन गांवों में मैं पीछे गया था तो कहने लगे डॉक्टर साहब पहले पाइप हर साल नीचे डालने पड़ते थे, अब हम पाइप निकालते हैं, पहले हमें खरीदने पड़ते थे, अब हम कहते हैं स्पेयर हो गया पाइप ले लो। तो ये इस सरकार का करिश्मा, इस पार्टी का करिश्मा है और इस पार्टी ने दक्षिणी हरियाणा के लिए जितना दिया है, मैं नहीं समझता कि किसी सरकार ने कभी 70 साल में भी दिया। राजनीति तो 70 साल से भी होती आ रही थी, लेकिन राजनीति ने क्षेत्र की भलाई के लिए कभी कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वोट का तरीका ये था कि 5 साल में एक बार आओ और एसवाइल का नारा लगाओ, कहो एसवाइल बनेंगे, अगली बार उसके बाद में फिर गायब हो जाओ। और हमने जिक्र नहीं किया एसवाइल का, हमारा हक है जब सरकार फैसला होगा तो पानी आ जाएगा, लेकिन एसवाइल के फैसले तक हम दक्षिणी हरियाणा के महेंद्र के किसानों को कैसा नहीं मार सकते थे, उनकी भूमि को बर्बाद नहीं कर सकते। तो इसलिए सरकार ने ये स्कीम दी। आपके पास, आप जयपुर में पेशेंट ले जाते हैं, हम सारे के सारे रस्ते में सीरियस पेशेंट, आधे पेशेंट दम तोड़ जाते हैं। और अब मात्र 1 करोड़ पे 700 करोड़ की लागत पे 710 बेड का मेडिकल कॉलेज आपके पास बन के तैयार हो रहा है। और उस मेडिकल कॉलेज में भगवान ने चाहा तो नए साल में हॉस्पिटल शुरू करवा देंगे और आपको जयपुर और दिल्ली और गुड़गांव के चक्कर नहीं लगाना। आपके पास 1200 एकड़ में बशीरपुर घाटा शहर में लॉजिस्टिक हब बन रहा है, थोड़ी सी उसमें कसर रह रही है, वो मेरे ख्याल से अगले 2 महीने में रिजोल्व हो जाएगा, लेकिन उसका बाहर का सारा काम करवा दिया, 4 लेन का नेशनल हाईवे बना दिया वहां तक, और पानी की, कच्चे पानी की लाइन वहां तक बिछा दी, रेल की पटरी डाबला रेलवे स्टेशन से वहां तक आ गई, सारा काम कंप्लीट है। और भगवान ने चाहा तो इस साल के अंदर तक आप उसको भी आगे बढ़ते हुए देखें। तो मैं ये कहता हूं नेशनल हाईवे का इतना बड़ा नेटवर्क किसी सरकार ने दिया। और देखो बात यह है कि असली ताकत तो होती है नेता के विजन में,
हमारे माननीय मोदी जी, उनका अपना एक विजन है। मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था, उसमें रूस के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है पुतिन का कि मोदी जी जो सोच लेते हैं वो हिम्मत करे साहसपूर्ण उसको लागू करते हैं, फैसला लेते हैं। हमारे देश में फैसला लेने वाले नेता की कमी थी और इस आदमी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इन्होंने पिछले 9 साल में इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। जिस देश की गिनती हमेशा पिछली पंक्ति में होती थी, आज वही देश सारे दुनिया का परामर्शदाता बन गया। जब कोई भी सलाह की जरूरत होती है तो माननीय मोदी जी को बुला के करता। तो मैं कहता हूं कि मैं ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे लोग पूछते थे आपको ये रैली बुलाने की क्या जरूरत पड़ी। मैंने कहा इस रैली से मैं सिर्फ एक बात देखना चाहता हूं कि लोग विकास की राजनीति में कितना विश्वास करते हैं। और आज मैं धन्य समझता हूं अपने आप को कि आपने सुबह से इतना लंबी लाइन लगा दी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें। मैं आपकी हिम्मत को, आपके विश्वास को दा देता हूं कि सुबह 10 बजे से आप बैठे हैं और मेरे ऊपर ये एहसान है। तो दोस्तों, सकारात्मक काम करो, सकारात्मक सोचो। और मेरा एक अंतिम बात, मैं आपको एक बात और कह रहा हूं कि दुनिया में परमात्मा की अगर कोई स्कीम है, उस स्कीम में अच्छाई और बुराई करने वाले के पास लौट के आती है। कोई किसी का बुरा करके देख लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बुराई किसी की सगी नहीं होती। और अच्छाई करो, अच्छे अच्छे काम करो, आपके बारे में दुनिया कुछ भी कहते रहे, आप आगे बढ़ते रहो, अच्छे काम करते रहो, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, दुनिया आपके पीछे हो जाएगी। बहुत मेहरबानी। मैं सिर्फ एक अपने इलाके की एक मांग रखता हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी जी दोनों बैठे हैं और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग जरूर पहुंचाएं। देखिए, अब हमारे पास इस इलाके में पानी की कमी कोई नहीं है, नेशनल हाईवे का बहुत अच्छा नेटवर्क है, हमारे पास कुशल और अकुशल दोनों तरह के कारीगर उपलब्ध हैं। एजुकेशन में हमारा जिला हरियाणा के अग्रणी जिलों में से है। जमीन के भाव सारी एनसीआर में सबसे सस्ते हैं और रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर पे हमारा जिला स्थित है, जहां लॉजिस्टिक हब बन रहा है। सीधा सारे हिंदुस्तान की बंदरगाहों से हमारा जिला जुड़ा हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि हम मात्र दिल्ली से 135 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इस जिले को उद्योग की जरूरत है, उस जिले की उद्योगीकरण की जरूरत है। हमारे एक बच्चे जो बेरोजगारी बढ़ रही है, मेरा एक सपना है कि इस जिले में एक बड़ी उद्योग की यूनिट यहां लगाई जाए। और एक यूनिट यहां लग गई तो जिले में उद्योग की लाइन लग जाएगी। जिस दिन उद्योगीकरण इस जिले का हो जाएगा तो हमारे जिले का एक भी नवयुवक बेरोजगार नहीं रहेगा। और देखिए, मारुति जब लगाने का फैसला हो रहा था, मैंने अपने लेवल पे मारुति के चेयरमैन को, एमडी को, हर जगह मैंने मेल्स डाली, मैंने प्रयास किया, लेकिन भाई अदना से एमएलए था, मेरी बात सुनी नहीं गई। उन्होंने मेरा, अगर मैं कहता हूं कि आप सारे मंत्री जी भी बैठे हैं, रामविलास जी भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, मैं कहता हूं सारे मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करो और हमारे प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारी सिफारिश करेंगे, इस जिले में एक बड़ी यूनिट, बड़ी कोई इंडस्ट्री ले आओ, इस जिले का कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप इतनी संख्या में आए। और मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से एक अनुरोध और है कि भी हमारे मुख्य अतिथि जब तक अपना भाषण समापन ना कर ले, तब तक मेरा आपसे अनुरोध है, आप उठ के ना जाइए। आपने सुबह से इतना एहसान किया है मेरे लिए, गर्मी में यहाँ बैठे हो, इतने घंटे हो गए, आधा घंटा और बैठे रहो मेरे लिए।